हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्न फॉर आईज में। आज हम एक देखेंगे न्यूज जो कि इंडिया के लिए निगेटिव हो रहा है और ये बैकफायर कर रहा है इंडिया को, बिकॉज इंडिया ने इसमें देर से डिसीजन लिया। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार क्यों अरब वर्ल्ड इंडिया पे अभी भड़का हुआ है, बायकॉट कर रहा है हमारे गुड्स की जो कि हम सामान बेचते हैं अरब वर्ल्ड को, और पाकिस्तान और चाइना इस बात का फायदा कैसे उठा पा रहे हैं, और आखिरकार पाकिस्तान और चाइना ने ही इस न्यूज को फ्यूल दिया। बिकॉज ये न्यूज 10 दिन पहले हुई थी, जो कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी उनकी किसी न्यूज चैनल में, तब उन्होंने कुछ बोला था। अब उस बोलने का जो मतलब निकाला गया वो बहुत ही ज्यादा, जितना उन्होंने बोला था उससे कहीं ज्यादा निकाल करके इसे एक रिलीजियस मोड़ दे दिया गया है, और जहां भी रिलीजन आती है वहां पे लोग ज्यादा भड़क उठते हैं, तो बिना मामले की सच्चाई जाने हुए। तो इस मामले की सच्चाई क्या है और क्या हुआ है इसमें, हम इस न्यूज में देखेंगे। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये बात तो है कि किसी भी रिलीजन के लिए किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है, हर एक के लिए उसका रिलीजन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसमें जब भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता ने कुछ बोला, जिसमें नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा हैं, तो इनको बीजेपी ने ऑलरेडी पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन उन्होंने निकालने में थोड़ी देर कर दी, उन्होंने 4 दिन लगा दिया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने और चाइना ने बखूबी उठाया है। उन्होंने इस बात को गल्फ काउंसिल में रखा और सारे जो अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको बोला कि आप इंडिया को बाइकआउट करो, आप इंडिया के ऑफिसर्स को समन करो जो कि आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स में हैं, और इंडिया ने हर एक जो उनकी ऑफिस है उन्हें समन किया भी, जिसमें कतार जैसी कंट्री जो कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन कंट्रीज ने इंडिया को कंडेम किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब जब ये न्यूज चल रही है तो ये आखिरकार कैसे पाकिस्तान और चाइना के लिए फायदेमंद है, हमें ये देखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो गल्फ कंट्री से बहुत ही ज्यादा है। अब अगर उसे रोकना है तो हम इस तरह के सेंटिमेंट से उसे रोक सकते हैं। आपने रिसेंटली फ्रांस का देखा होगा, फ्रांस में जब उन कार्टून्स को बनाया गया था मोहम्मद प्रॉफिट के लिए, तो आखिरकार किस तरह से बैकलैश हुआ था। तो रिलीजन के ऊपर जब भी कोई मामला होता है तो उसे भड़का करके ये लोग इकोनॉमी तक ले जाते हैं ताकि आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर सके। तो ऐसा होने पे इंडिया ने फ्रांस का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया था, लेकिन यहाँ पे जब फ्यूल मामले को दी गई है तो ये और भी ज्यादा बढ़ा दी गई पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जानबूझ के बोल के। एक्चुअली गल्फ काउंसिल की एक मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान में, जिसमें चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने ये बाकायदा रिक्वेस्ट की कि आप सब इंडिया को बैकलैश कीजिए बैकएंड से। अब जब ये बैकएंड से ऐसा काम किया गया है तो उन्होंने सच में देखा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम करते हैं। अब ऐसा करने के साथ इंडिया को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो भी सकता है, और अगर वो रैशनली इस बात को समझे तो, जैसे कि बीजेपी ने ऑलरेडी दो नेताओं को अपने पार्टी से निकाल दिया है, तो वो इस बात को समझते हुए इस बात को हटा सकते हैं। अब देखिए, हमें ये डबल स्टैंडर्ड देखना होगा गल्फ काउंसिल का। जो गल्फ कंट्रीज है वो ये नहीं देखते कि चाइना के जो जिंगजियांग रीजन में मुस्लिमों को एक्चुअली प्रिजन के टाइप में जगह में रखा जाता है, उन्हें पूरी तरह से जीने की आजादी नहीं है, उनके लिए हर एक तरह की रोक है, लेकिन उसके खिलाफ ना पाकिस्तान बोलता है और ना ही जो दूसरी कंट्रीज हैं वो बोलती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और पूरे के पूरी अरब वर्ल्ड चुप रहती है इस पे? बिकॉज चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, चाइना की इकोनॉमिक पावर और जो इन्फ्लुएंस अभी बनती है उसके वजह से ये लोग चुप रहते हैं। तो एक्चुअली में इन्हें उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। अब इन सब बातों के साथ क्या इंडिया में सच में ऐसा कुछ होता है कि हम मोहम्मद प्रॉफिट को गलत निगाहों से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ वासुदेव कुटुंबकम है और हम सब सारे रिलीजन को एक तरह से देखते हैं, और हमारे सारे उपनिषद भी एक्चुअली यही बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका जो सार है, इसका मतलब ये है कि हम सारे रिलीजन को इक्वल आई से देखते हैं और हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है मोहम्मद प्रॉफिट और सारे रिलीजन। तो इसीलिए हमें इस बात को और भी ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए ताकि चाइना जैसी कंट्री और पाकिस्तान जैसी कंट्री इस बात का फायदा ना उठा सके। अब ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ये आप सबको शॉक करेगा, इवन उन कंट्रीज के लोगों को भी जो ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो सामान है उसे लेने से मना कर रहे हैं। इंडिया का टोटल 60% टोटल इम्पोर्ट होता है अरब वर्ल्ड से, 16% दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम ना इंपोर्ट करें तो उनका कितना ज्यादा इकोनॉमी में नुकसान होगा आप सोच सकते हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री इंडिया के टॉप 5 इंपोर्टर पार्टनर हैं,
यानी कि हम जो वर्ल्ड में हमारे जितने भी, अगर आप 100 ट्रेडिंग पार्टनर ले लीजिए जहां से हम सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया टॉप पे है, टॉप 5 में आते हैं। इंडिया 40% फ्यूल नीड्स जो है अपनी वो गल्फ काउंसिल से पूरा करता है और ईरान से, और इन दोनों ने इंडिया को कंडेम किया है। 40% फ्यूल दोस्तों, 19 लाख इंडियन, जो हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा, वो 19 लाख इंडियन रिसाइड करते हैं गल्फ रीजन में। तो सोच लीजिए हमारी कितनी ज्यादा वहां पे पीपुल पावर है, पीपुल टू पीपुल पार्टिसिपेशन है। और 55% ऑफ इंडियन रिमिटेंसेस जो इनफ्लो होती है, हमारे यहाँ जो पैसे आते हैं रिमिटेंसेस के थ्रू इनफ्लो आती है, वो इन 19 लाख लोगों से आती है, जो कि 55% के आसपास है। तो मोर देन 50% इंडिया की रिमिटेंसेस आती है। और इस तरह के रिलेशन होने के बावजूद इस तरह की चीजें, रियली इसमें अरब वर्ल्ड को भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके ऊपर हमारे जो जयशंकर है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बड़े ही सही शब्दों में बोला है कि इन कंट्रीज को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार दूसरे के कमेंट्स के वेगनेस में आकर के इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलना बिना सच्चाई की मामले जाने हुए, ये एक बहुत ही गलत बात है। और इंडिया और अरब वर्ल्ड का टाइज बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी ये चीजें मुझे नहीं लगता कि आगे के दिनों में बढ़ने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो आपको इकोनॉमिक टाइज दिख रही है, और क्या एक्चुअली में यहाँ पे इंडिया की गलती है, ये भी उन्हें सोचना होगा। और क्या कुछ लोगों के कमेंट्स के कारण किसी कंट्री को एक दूसरे से ऐसा करना चाहिए, जबकि इंडिया का जो नेचर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, हम वासुदेव कुटुंबकम को देखते हैं। तो दोस्तों आपके क्या व्यूज है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।